हेलो फ्रेंड्स, तो निफ्टी फिफ्टी का एक और स्टॉक है टाइटन, खरा सोना, जिसको मैंने पहले भी रिकमेंड किया था। याद है आप लोगों को? नहीं, अगर नहीं याद है तो मैं आपको अच्छी तरह याद करा देता हूं मैं आपको। और इस वीडियो का लिंक मैं उन्हें ऊपर एंड स्क्रीन पे दे दिया हुआ, आप एंड स्क्रीन पे जाके उसको जरूर देखना उस वीडियो को। 820 के पास था, 830 के पास था, मैंने बहुत बार रिकमेंड किया उसको, मैंने बोला बाय करो बाय करो बाय करो 850 के पास। आज शेयर 2-3 हफ्ते पहले की बात है, वो 1050 पे आज शेयर घूम रहा है, 200 रुपया उस शेयर में आ गया मेरे बोलने के बाद ही। उसका वीडियो बनाया, उसका वीडियो जरूर देखना आप, जिसको भी डाउट हो मेरी प्रोफिशिएंसी पे। और आज इसके रिजल्ट का इंतजार था, मेरे ख्याल तो कई लोगों को पता भी नहीं, मतलब रिजल्ट पब्लिश भी नहीं हुआ, ये तो मैंने पहले इसके ऊपर वीडियो बना दी है। तो इसी को बोलते हैं सिक्स सेंस। और इसका जो है मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू कराऊंगा। प्रॉफिट इसका 21% इंक्रीज हुआ। तो आराम से ध्यान से सुनना, टाइटन क्वार्टरली प्रॉफिट रोज ओवर द नेशनल वाइड लॉकडाउन मीन टू कंटेन COVID-19 pandemic shutter down bringing the industry to a still down. Net profit rose by 21%, इनका profit जो है standalone increase हुआ है, वो 356 आया, 356 करोड़ आया। लास्ट क्वार्टर में वो 285 करोड़ था, 285-290 के पास था, ठीक है जी। रेवेन्यू जो थोड़ा सा कम हुआ इसका 5.2%, 4428 से इस क्वार्टर में 4348 है, इसका ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसका 4388 आया था लास्ट क्वार्टर में, अभी जो उनकी सेल हुई है स्टैंडर्ड ऑन 4428 हुई है, तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। रिजल्ट स्टडी भी करवा दूंगा, जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो भी मैं आपको स्टडी करवाऊंगा, और उसको जरूर देखना आप। पहले जो मेरी वीडियो है इसको, ये मेरा चैनल है, इसको देखो आप, बोल और शेयर मैंने ये रिकमेंड किया था, इसको सुनो पहले, इसको मुझे निकालने दो। मैं आपको बताऊंगा कि इस शेयर में करना क्या है। ये मैंने टाइटल भी दिया था, खरा सोना, इसको दबोच लो, सुनो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? विशाल गुरचरण। अब मैं आपके सामने एक काफी बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, निफ्टी फिफ्टी का स्टॉक है ये, और डिविडेंड ये देता है 0.60 के पास डिविडेंड देता है, डिविडेंड थोड़ा कम है, और प्राइस टू बुक वैल्यू है 11 टाइम्स इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू, मतलब प्राइस इसका होगा 70 के आसपास है, पर अभी ये 700-800 के पास ट्रेड कर रहा है। मैंने बोला ट्रेड कर रहा है, 10-12 गुना प्राइस थोड़ा ज्यादा है उसकी। फेयर वैल्यू मैं देखा तो आपको, फेयर वैल्यू इसकी है 800 के पास, इसकी फेयर वैल्यू 800 रुपए के आसपास, 800 के पास ये डिजर्व करता है। अभी 833 इसकी क्लोजिंग है। बाकी फंडामेंटल मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो 74 है, पी रेशियो 49 की, पी रेशियो बहुत ज्यादा है इसकी, सिर्फ पी रेशियो के अकॉर्डिंग ये शेयर बहुत ज्यादा कॉस्टली है, हमको तो लेवल पे ट्रेड करना, अगर लेवल आया तो हमने बाय करना। डिविडेंड यील्ड तो बुक वैल्यू तो आपको दिखाई दी है, 70 के पास बुक वैल्यू है, 12 टाइम्स इसका वो है प्राइस टू बुक वैल्यू है, पी रेशियो जो ईपीएस है तो बाकी सारी डिल्यूट हुई है। और इसको थोड़े समरी देख लो, फाइनेंशियल जो फंडामेंटल भी आई आगे निकाल रहा हूँ थोड़ी थोड़ी, प्राइस तो मैंने आपको बता दिया, प्राइस तो बहुत ज्यादा बुक वैल्यू हो, बाकी फंडामेंटल देख लो, 80% के पास इसके फंडामेंटल काफी अच्छे हैं, 80% स्कोर दे रहे हैं ये, और नेट इंक्रीज इसके जो स्ट्रेंथ है अभी भी ये नेट सेल इंक्रीजिंग और कंस्ट्रेंट फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स, EPS इंक्रीजिंग हो रही है, रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीजिंग हो रही है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से अबव है, प्रमोटर और FIIs की होल्डिंग मोर देन 50%, जो कि अच्छा साइन है,
क्वार्टरली प्रॉफिट इज आर इंक्रीजिंग, इसकी स्ट्रेंथ है वीकनेस देख लो, डेट डेट थोड़ा बढ़ रहा है इनका, प्राइस अर्निंग ग्रो रेशियो इज लोअर देन पी रेशियो, पी रेशियो से जो ग्रोइंग रेशियो है वो थोड़ा कम हो रही है। बाकी अभी ये कंपनी के स्कोर दे रहे हैं 10 में से 4 स्कोर दे रहे हैं, गुड के पास ही मान रहे हैं अभी ये, और स्कोर डिटेल देख लो वैल्यू के अकॉर्डिंग है, ओवर वैल्यूड है वो ओवर मैंने आपको बता ही दिया, अभी 800 850 के पास भी ओवर वैल्यूड ही है। बाकी ईपीएस स्टडी करते हैं, ईपीएस देखो मैंने क्या बोला था, पहले क्वार्टर में इसका ईपीएस आया था 4 के आसपास ईपीएस आया था, फर्स्ट क्वार्टर में 4 था और दूसरे क्वार्टर में आप देख लो ये 3 के आसपास है, 4 और 3 7 हो गए, 3 रुपए दूसरे क्वार्टर में, तीसरा क्वार्टर ये 7 रुपए हो गए, पहला दूसरा रिजल्ट ऐसे ही एनालिसिस करते हैं, तीसरे क्वार्टर में इसने 5.5 के आसपास ईपीएस, 7 और 5.5 हो गए 12.5-13 रुपए के पास ईपीएस 3 क्वार्टर में इसने अर्न कर लिया था, और ये टोटल ईपीएस हो गया 12 रुपए के आसपास ईपीएस हो गया, 12-13 रुपए 7-5-12 ठीक है जी। तो अभी ईपीएस एस्टिमेट है वही 5 के आसपास जी, इसने ये जो वाला ईपीएस है यही यहाँ पे एक्सपेक्टेड आना चाहिए, अगर यही यहाँ पे एक्सपेक्टेड आता है इस क्वार्टर के रिजल्ट तो बहुत ज्यादा अच्छे माने जाएंगे इसके जो रिजल्ट आएगा, तो बाकी अभी देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, 10 दिन के अंदर अंदर इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, 5 के आसपास ईपीएस इसका आना चाहिए अभी रिजल्ट ही अच्छा माना जाएगा। और रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो आप 25% के आसपास रिटर्न दे रहा है जो काफी अच्छी है, अगर इसने भी जितनी इक्विटी है 25% बहुत ज्यादा होता है, एफडी का ब्याज 7-8% है तो रिटर्न अभी तक हर साल में अच्छी दे रहा है। रिटर्न ऑन एसेट देख लो 13-14% की है, उन्होंने एवरेज रिटर्न है एसेट 13 हर साल ये 5 सालों में कंटिन्यू जो है आगे निकाल रहा हूँ वीडियो में, 48% ये अच्छी साइन, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, मैंने जो टारगेट दिया था वो मैं आपको बताऊंगा, 16,000 करोड़ 20,000 करोड़ अभी देखो 25,000 के आसपास इनकी वो आनी, एसेट्स इनके काफी हैं, डेट जो लाइबिलिटी मेरे को 820 के आसपास, 820 से बा आपने नीचे पाए वही, अगर मैं इसको अभी इसका जो ट्रेड लेवल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना कैसे करना, अगर ये शेयर आपको 820 के आसपास मिलता है तो इसको बाय कर लो, मैंने बोला था 820 के पास बाय कर लो, इसका लो चेक कर लो जाकर 820 के आसपास, 820 से बा आपने नीचे बाय नहीं करना, आपने 820 से बाय नहीं करना नीचे, अगर नीचे जाता है तो 820 के आसपास मिलता है ये शेयर तो इसको उठा लो, ट्रेडिंग कर रहा है ट्रेडिंग में रिस्क तो लेना ही पड़ता है तो इसको बाय करना है 820 के आसपास, और मेरा जो पहला टारगेट होगा T1 जो होगा मेरा वो होगा मेरा 885 होगा, बता रहा हूँ आपको 8855 तक ये जाएगा शेयर, ये तो बहुत कम मैंने दिया था 885 तक जाएगा, और मेरा T2 विल भी होगा अगर ये शेयर टारगेट 1 अचीव होता है तो टारगेट 2 भी आएगा इसका, टारगेट 2 विल भी माई 935 मतलब 950 तक मैंने बोला तो था, आपने बाय करना है 35-40-50 तक मैंने बोला था, देख लो आप कितना है इसके आसपास, मैं सजेस्ट करूंगा अगर इसके आसपास आता है तो मेरा सिंपल वीडियो बनाने का यही मकसद होता है कि मेरे को मैं आप लोगों को बता सकूं, तो अभी जैसे रिजल्ट इसका आया है तो बाकी आगे क्या बोलते हैं वो आप देख लो, ये तो आपको पता लग गया कि रिजल्ट में 21% की इंक्रीमेंट हुई है इनकी, अब बाकी ये आपको मैंने बता दिया 21% इंक्रीज हुआ, मैं आपको मनी कंट्रोल पे भी चेक करवा दूंगा ठीक है जी, 285 करोड़ के अकॉर्डिंग रेवेन्यू जो थोड़ा सा गिरा है 5% उतना मैटर नहीं करता, टोटल इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग, टोटल इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग टैक्स अमाउंट आई रोज जो 32% वो इंक्रीज हुआ 603 के पास आया हुआ है,
तो ईबीआईडीटी मार्जिन एक्सपेंडेड टू 13% फ्रॉम, ये भी ईबीआईडीटी भी बढ़ी, इनकी इंटरेस्ट बिफोर अर्निंग एंड टैक्स वो भी 9% से 13% होगी ये पूरे साल की। दैट केम इन टू केम एज सेल्स इन ज्वेलरी सेगमेंट्स विच अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ द कंपनी रेवेन्यू डिक्लाइंड बाय 5.8 ईयर ऑन द ईयर ड्यूरिंग रिपोर्टेड क्वार्टर। दिस इज द फर्स्ट टाइम राइट 8 क्वार्टर दैट ज्वेलरी सेगमेंट विटनेस द डिक्लाइन, थोड़ा सा बहुत डिक्लाइन। द ओनर ऑफ द तनिष्क हैज ब्रांडेड वॉर्न अर्लियर दैट लॉकडाउन इन द मार्च के वाइप अप गेन मेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ द क्वार्टर। बोले ओनर ऑफ तनिष्क ब्रांड हैड वॉर्न अर्लियर दैट लॉकडाउन इन द मार्च वाइप अप गेन ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ क्वार्टर वाइल जनवरी टू मार्च सा 16.5% ग्रोथ। द पेंडेमिक ऑफसेट द बेनिफिट द कंपनी कैप्ट स्टोर क्लोज्ड आफ्टर द नेशनल वाइड लॉकडाउन अनाउंस टू कंटेन द वायरस स्प्रेड द कंपनी इज गुड परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू। ये मतलब अपना सारा बता रहे हैं कि क्या चीज है, अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं फर्स्ट 2 मंथ ये वो। मतलब मेरे कहने का मतलब जो रिजल्ट है मैं आपको अभी ईपीएस मनी कंट्रोल की साइट पे लेके चलता हूँ, ये आप सिंपल देख लो। ये टाइटन का स्टॉक है, इतनी ज्यादा लंबी वीडियो बनाने के लिए। ये टाइटन का स्टॉक है 1090 चल रहा है, वो दिसंबर इसका क्वार्टर देख लो आप। ये सेल्स थी 4630 थी, थोड़ी सी कम हुई, अभी पब्लिश नहीं हुए डेटा, उसके पहले ही मैंने आपको वीडियो बना के दे दी है। वो 4340 करोड़ की सेल्स बता रहे हैं, थोड़ी सी कम हुई है सेल्स, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये है 294, वही 294 मार्च 2019 में थे, इसमें 21% जोड़ूंगा, वही 21% जोड़ के 355 का मेरा रिजल्ट आया, 21% प्रॉफिट में इंक्रीज हुआ। ठीक है जी, ये मार्च दिसंबर में क्वार्टर में 470 करोड़ था, तभी 355 करोड़ प्रॉफिट आया। मेरे कहने का मतलब रिजल्ट में ऐसे एनालिसिस करता हूँ, सिंपल सी बात सुन लो। मेरे पहले क्वार्टर में 4 रुपये का भी ईपीएस था, दूसरे में फिर वही 4 के आसपास, 4 और 4 8 और 5 13, 13 रुपये का ईपीएस मैं अर्न कर चुका हूँ। ठीक है जी, 13 रुपये का। तो अभी मेरे का जो मेरा प्रॉफिट कितना आया, 355 करोड़ आया है। ठीक है, 355 करोड़ के अकॉर्डिंग मैं आपको कैलकुलेट करवाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ बस। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट था, यहाँ 300 करोड़ प्रॉफिट था मेरा, 300 करोड़ प्रॉफिट में से मेरा ईपीएस बन रहा है 3.32 बन रहा है ईपीएस। ठीक है जी, 300 करोड़ पे, यही 3.3 में मैं अगर मैं कैलकुलेट करके जोड़ देता हूँ, 21% जोड़ूंगा, ये देखो 3.3 में 21, तो मेरा ईपीएस कितना आ गया, 4 पॉइंट आ गया, यानी कि 4 रुपये का ईपीएस मैं अर्न कर चुका हूँ, सिंपल सी बात है। तो मेरा टोटल ईपीएस कितना हो गया, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 प्लस 4 इजिकल टू, जो अभी रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ, 17 रुपये का ईपीएस मैंने अर्न कर लिया इस क्वार्टर में। तो मेरे नतीजे शानदार हुए कि नहीं हुए पहले मेरे को बता दो, 17 रुपये का ईपीएस मैंने अर्न किया। और यहाँ पे एनुअली मैं आपको एनुअली भी दिखा देता हूँ, जो ईपीएस है इसका, ये है मार्च 2019, मार्च 2018 ईपीएस, आ जाओ ईपीएस स्टडी करते हैं। ये देखो मार्च 2000 में कितना था, 2018 में 13 रुपये था, अभी 15.5 था 2019 में, तो अभी मेरा ईपीएस आ गया 17 रुपये। तो मेरा प्रॉफिट बताओ शानदार हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर ये शेयर किसी ने बाय करना, अभी भी अगर ये शेयर आप 990 के पास मिलता है तो उसको बाय कर लो, 990 से नीचे नहीं बाय करना। ठीक है जी, मैं पहले बोल रहा हूँ। तो मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 1100 का टारगेट होगा और 1150 का टारगेट, दो टारगेट होंगे मेरे, 1100 का और 1150 का टारगेट होगा। तो 990 के अगर आसपास कल आपको मिलता है ये शेयर तो इसको बाय कर लो आंख बंद करके, उससे नीचे नहीं बाय करना। अगर वो क्रॉस करे नीचे से ऊपर फिर बाय करना आपने, 990 से ऊपर ही बाय करना आपने। ठीक है जी, वीडियो आपको अच्छी लगी, एनालिसिस अच्छा लगे तो उसको शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स, गुरचरण हेयर।